ସୁଶାସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାନୁନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କାନୁନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅର୍ଥ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁରୂପ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସେତେବେଳର ଅପରାଧିକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏଭଳି ବିସଙ୍ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। सुशासन की पहली शर्त होती है कि वहां पे कानून का राज हो। कानून के राज के लिए आवश्यक है कि संविधान की भावनाओं के अनुरूप देश के सभी संवैधानिक संस्थाएं कार्य करें, वे अपनी लक्ष्मण रेखा को भी माने और समयबद्ध तरीके से एक पीड़ित को न्याय मिल सके, इस दिशा में पहल करें और अपने स्तर पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें। लेकिन बहुत बार होता क्या है, निर्दोष व्यक्ति सजा पा जाता है और दोषी व्यक्ति पूरी तरह अपराध से मुक्त होकर के स्वच्छंद होकर के समाज की व्यवस्था को चुनौती देता है। समय के अनुरूप अपराध की प्रकृति भी बदली है। जब भारत के अंदर ये सभी कानून बने होंगे, उस समय की परिस्थितियां, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी। ये देश प्रतंत्र था, देश स्वतंत्र हुआ, देश ने अपने आपराधिक कानून, अपने सिविल कानून और अन्य सभी प्रकार के जो भी कानून बनाने थे वह उसके अनुरूप समय के अनुरूप बन नहीं पाए थे और फिर वह विसंगति हमें हर स्तर पर देखने को मिलती थी। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।